हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह, राजीव क्लास जीएस रिसर्च सेंटर पर आपका वेलकम करता हूं। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं आपके सामने। गिरफ्तारी से पहले आपके 8 ये अधिकार अगर आप जान लोगे तो यहां पर लिखा है कि पुलिस भी डरेगी क्या। इसका मतलब यह हुआ कि आपका अपना अधिकार आपको पता होनी चाहिए। जैसे गिरफ्तारी होने की बात होती है, अरेस्ट होने की बात होती है, तो यहां पर तीन तरह की बात होती है। पहली बात यह होती है कि कोई आपके खिलाफ कंप्लेन कर दे, तो खाली कंप्लेन कर देने से अरेस्ट नहीं कर दी जाती। अगर कंप्लेन कर देने से अगर अरेस्ट होने की बात रहती तो कहते पूरा थाना भर जाती, ठीक है ना, और पूरा जेल भर जाता। ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। तो मेरे कहने का सेंस यह होता है कि जो गिरफ्तार अरेस्ट होने की जो बात होती है, आपको पता होगा जो मैंने पीछे बताया था कि अपराध दो प्रकार के होगा। एक तो होगा संगीन अपराध या संज्ञेय अपराध कहते हैं, और दूसरा होता है असंज्ञेय अपराध, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जब संगीन अपराध होती है, इसका मतलब यह होता है कि जिसमें खतरनाक तरीका का अपराध होता है, जैसे मर्डर हो गया, उसके बाद अपहरण की बात होती है, रेप की बात होता है। और जो असंज्ञेय अपराध होती है, छोटे मोटे अपराध, थोड़ा बहुत किसी को थप्पड़ ऊपर से मार दे, इस टाइप का अपराध होता है। तो जब संगीन अपराध की बात होती है, उसमें पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है, ठीक है जी। तो यहां पर वो चीज मैं पढ़ाने नहीं आया हूं, ये तो आपको अरेस्ट की बात। यहां पर मैं आपको बताया कि जैसे पुलिस आपको अरेस्ट करने आ गई तो यहां पर दो तरह की बात होगी। एक तो आपने अपराध करा है और दूसरा आपने अपराध नहीं करा है। आपने अपराध करा है तो यह तो आपको पता है कि मैंने अपराध करा है, तो पुलिस अरेस्ट करने आई है। और दूसरा अगर आपने नहीं करा है, तो क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि भाई हमें झूठे बातों में फंसाया गया, हमें पता नहीं था, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अपराध करा है तब भी आपको पूछने का अधिकार है। मैं आपको बता देता हूं, तब भी आपको पूछने का अधिकार है कि हमें गिरफ्तारी क्यों की जा रही है। और पुलिस आपको बताएगी कि आपको गिरफ्तारी किस चीज के लिए की जा रही है, किस अपराध के लिए की जा रही है, किस बात पर की जा रही है। दूसरी बात, अगर आपने अपराध नहीं किया है तब भी आपको पूछने का अधिकार है कि भाई हमें गिरफ्तारी क्यों की जा रही है, क्योंकि आपको जानना यह आपका अधिकार है। दूसरी बात होती है कि यह बात आप पुलिस बताएगी। अगर देखिए, सबसे पहले बात होते, बहुत लोग कहता है कि पुलिस से आप ऐसे पूछ नहीं सकते, पुलिस कहती है चलो आपको थाने में ले जाकर तुराई करते हैं। तो ये सब चीजें होती है। अगर पुलिस को भी पता है कि आप के मतलब आपको रूल पता है, आपको कानून का रूल पता है, दूसरी बात आप अपने कॉन्फिडेंस पर हैं, आपको जानकारी है, तो पुलिस को भी पता होता है कि भाई ये हमारा तो नौकरी के पीछे चल जाएगा। और हर आदमी को, हर ऑफिसर को, सभी लोगों को अपने नौकरी से बड़ा कुछ नहीं होता, उनके भी तो बाल बच्चे होते, उन्हें भी तो कुछ ये होता है, समझदारी होती है कि भाई ये जानकार आदमी है, ये भी मेरे पीछे पहुंच जाएगा, क्योंकि रूल तो सबको पता है कि उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। तो इसलिए ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि बहुत लोग कमेंट करेगा कि भाई ऐसा नहीं होता, पुलिस से पूछोगे तुराई कर देती, थाने में ला जाकर पिटाई करते। मैं आपको ये चीज आज तो पहले अधिकार बता रहा हूं, इसके बाद ये भी आपको बताऊंगा कि पुलिस आपको कोई पिटाई नहीं करेगी इसके बाद वाले वीडियो में। आज पहले अपना आप अधिकार जानिए, ठीक है ना, और पुलिस से डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। ये नहीं कि अगर आपको कानून पता है तो आप एकदम ऊंची आवाज में एकदम पूरा उखाड़ रहे हैं बातों से कि हाँ जी हमें कानून पता है, हम तो हिला कर रख देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर सामने वाला ऑफिसर, अगर मजिस्ट्रेट या पुलिस कोई भी है, तो आप उससे तरीका से ही पेश आ सकते हैं, तभी आपके कानून और आपकी रूल और आपके विधि का वो योगदान करेगा, आपको हेल्प करेगा या आपकी बात को सुनेगा। आप चाहेंगे कि एकदम नहीं, हम तो बहुत बड़े आदमी हैं, एकदम हमें कानून पता है, तो हम कैसे भी बोल सकते हैं, तो सामने वाला से ऐसा नहीं बोला, आपको विनम्रता पूर्वक ही आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखेंगे, मैं पहले इसलिए इस बात को बता रहा हूं कि बहुत लोग कमेंट करेगा कि नहीं ऐसा तो होता नहीं, सब होता है, आपने कभी आजमाया है, आपको ये चीज पता नहीं। अगर आपको पता है तो ऐसा नहीं होगा, मतलब कोई भी नहीं होगा कि पुलिस आपको ऐसे उठाकर लेके चले जाएगी, ऐसा कर देगी। अगर उठाकर ले जाएगी तो भी बताऊंगा। तो सबसे पहली बात मैंने बोला कि आपको ये पूछना है कि गिरफ्तारी क्यों की जा रही है, ठीक है जी। उसके बाद अगर गिरफ्तारी आपको वो बताएगी कारण पुलिस, उसके बाद आपको अगर अरेस्ट करके पुलिस ले जा रही है, तो सबसे पहले अरेस्ट करके ले जाने से पहले वहां पर आपको बोलना पड़ेगा कि अरेस्ट मेमो बनाइए। ये पुलिस का काम है अरेस्ट मेमो बनाना। अरेस्ट मेमो का मतलब ये होता है कि पुलिस बताएगी अपने डिग्निटी के बारे में, बताएगी पुलिस उस जिस जगह से ले जा रही है वो बताएगी, उस पर लिखकर अपना फॉर्म सा होता है कि मतलब कौन से जगह से अरेस्ट कर रहे हैं, किसके सामने अरेस्ट कर रहे हैं, उसका साबूत पेश करेगी कि हाँ गवाह की भाई इनके सामने अरेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपको जिसको अरेस्ट कर रही है उसका नाम बताएगी, सारा कारण लेकर, तब जाके यही होता है अरेस्ट मेमो का काम। ये बात ध्यान रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि पुलिस वहां से, ठीक है
ये बहुत लोग कहते हैं कि अरेस्ट मेमो नहीं बनाती है, थाने में जाकर फिर लिखा पड़ी होता है, ठीक है, वहां लेकर चली गई, फिर गिरफ्तारी के बाद परिवार वालों को सूचित करना होता है। मैं आपको बता दूं कि 12 घंटे के अंदर पुलिस वालों का काम होता है, जिस थाने में जहां भी ले जाएंगे उसका काम होता है कि 12 घंटे के अंदर परिवार वालों को खुद सूचना देंगे कि आपके मतलब बच्चे जो भी है उनको मैं अरेस्ट कर मतलब करा है और इस थाने में है, यहां पर है। तो ये 12 घंटे का टाइम होता है, 12 घंटे के अंदर ये पुलिस वाले आपके घर जरूर सूचना देंगे, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको बता दूं कि 24 घंटे के अंदर वो नजदीकी जो थाने के पास का जो संबंधित जो कोर्ट होता है उसमें जरूर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे। एक बात आपको बता दूं उससे पहले कि सबसे पहले बता दूं कि अरेस्ट के बाद पुलिस की पूछताछ से पहले अपने वकील से मिलने की अनुमति लेनी जरूरी होती है। आप कहोगे कि आप मेरे से पूछताछ करो, लेकिन मैं अपने वकील से मिलूंगा जरूर। अब अपने घर वाले को जैसे भी आप बुलाए तो साथ में वकील को लेकर आ जाइए। और वहां पर आपको बता दूं ये रूल है, ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं, ये सीआरपीसी के 41 सीआरपीसी 41 के सेक्शन डी के तहत यह है कि सामने वाला व्यक्ति जो वहां पर पेश हुआ है, जो थाने में है, जिसको पकड़ के अरेस्ट करके आप ले गए, वो ये सेक्शन डी के तहत सीआरपीसी 41 सेक्शन डी के तहत वो अपने पक्ष रख सकता है वकील को, मतलब अपने जिस वकील पर उससे विश्वास है, जिसको वो बुलाना चाहते हैं, वो किसी भी वकील के साथ, ठीक है ना, जिसका वो वकील है। ये चीज लिखा हुआ है, ये चीज अधिकार के तहत आता है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। इसके बाद आपको बात बताऊं कि इसके बाद क्या आपको समझना है, बिना जेन्युइन रीजन के गिरफ्तारी नहीं की जाती। मैं आपको बता दूं कि मैंने शुरू में ही बताया था कि कोई कंप्लेन कर दिया आपको अरेस्ट नहीं किया, जब संगीन अपराध की बात हो या कोई जेन्युइन रीजन की बात होता है तभी आपको अरेस्ट की जाती है। ऐसे नहीं कि अरेस्ट करके ऐसे ही ले जाए, क्योंकि उन्हें भी कानून पता होगा ऐसे किसी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। मैंने बता दिया गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना होता है और मजिस्ट्रेट के सामने पेशी से पहले मेडिकल करवाना जरूरी होता है। मेडिकल से फायदा यह होता है कि आपको मैं बता दूं कि जैसे पुलिस बाद में पीटेगी नहीं मारेगी नहीं, तो इससे क्या होगा, पता चल जाता है कि अगर आपका चोट है तो फिक्स चोट है, जो भी प्रॉब्लम है वो तो पहले से लिखित प्रॉब्लम हो जाती है, उसके बाद कुछ होगा तो उनकी जिम्मेवारी होगी। अगर आप कॉन्फिडेंस से इतनी बातें आप जब बोलेंगे और जब आपको जानकारी होगी तो सामने वाले को भी पता होता है, और आप कुछ नहीं बोलेंगे तो बिना मतलब के ले जाकर भी थाने में पिटाई होती है और फंस जाते हैं और किसी भी तरीके से दिक्कत हो जाती है। लेकिन आपको कानून पता हो तो कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, विनम्रतापूर्वक यूज करेंगे तो जरूर उसकी सुनवाई होगी। आखिर कानून किस लिए बनाया गया बताओ, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, आईपीसी सीआरपीसी है, ये बनाया किस लिए गया है, जब धारा कानून जब ऐसे ही कहीं भी लग जाएगा तो फिर क्या बात रहेगी, ये बात ध्यान रखेंगे। इसको मैं कहता हूं विश्वास के साथ आपको समझना पड़ेगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये भी बताऊंगा कि हाँ जी, जैसे आपने बोल दिया तो पुलिस क्या करी वो भी बताऊंगा। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि पुलिस से जैसे कानून करो तो कहोगे आओ थाना में, मैं अभी बता रहा हूं आपको कानून, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, उसका भी मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि महिला को सिर्फ महिला पुलिस ही गिरफ्तार कर सकती है। मैं आपको बता दूं कि महिला को अरेस्ट करने के लिए महिला पुलिस चाहिए, ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात, किसी भी महिला को अरेस्ट करने के लिए जो टाइमिंग की जो बात बताई गई है वो है कि आपको सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले, ये बात ध्यान रखेंगे, सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले कभी अरेस्ट नहीं की जा सकती है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले नहीं की जा सकती, की भी जा सकती है। एक बात बता रहा हूं, वो कब की जाती है, जब वो अपराधी बड़ा हो या ऐसा लग रहा है कि जो महिला है वो कहीं भाग मतलब भाग सकती है, तो कहीं जा सकती है, कहीं वहां से मतलब जगह बदल सकती है, तब ऐसी स्थिति में आप मतलब रात को मैं कह सकता हूं 10 बजे भी अरेस्ट कर सकती है पुलिस। लेकिन उसके लिए क्या होनी चाहिए, महिला पुलिस होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको बता दूं कि पुलिस यूनिफॉर्म में किसी भी नाबालिग की गिरफ्तारी नहीं कर सकते। नाबालिग का गिरफ्तारी अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर बिल्कुल प्रेम से विनम्रता पूर्वक एकदम आदर पूर्वक उससे बात करना है और वहां पर वर्दी नहीं होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। एकदम यहां पर देखो लिखा है, पुलिस यूनिफॉर्म में किसी भी नाबालिग की गिरफ्तारी नहीं कर सकते, नाबालिग को बिना डराए पूछताछ करनी होगी, बिना यूनिफॉर्म के, यहां पर ध्यान, ठीक है ना, यहां पर देखिए, पुलिस यूनिफॉर्म में किसी भी नाबालिग की गिरफ्तारी नहीं कर सकते और नाबालिग को बिना डराए पूछताछ करनी होती है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। वहां पर कोई मतलब वर्दी बिल्कुल नहीं रहे, एकदम बिल्कुल प्रेम से पूछना होता है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे। तो ये चीजें मैंने आपको बता दिया, इतना आपको पॉइंट पता हो, अगर पुलिस आपको ले जा रही है तो यहां तक
आपकी एकदम कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखेंगे, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा तो आपको बताऊंगा यहां पर एक चीज कि जैसे कहते कि नहीं पुलिस को आप कानून बताते तो कहते चलो बता रहे हैं थाने में, तो उसको बताऊंगा कि वहां भी कैसे होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।